स्टूडियो में हमने ये देखा था कि जितने भी हमने यहाँ पर कंट्रोल्स ऐड करे थे अपने फॉर्म के अंदर, इन सब के प्रॉपर्टीज के बारे में देखा था। अब हम करने क्या जा रहे हैं कि जब प्रॉपर्टीज के बाद इनके वन बाय वन इवेंट्स के अंदर देखेंगे कि ये जो इन कंट्रोल्स के कौन कौन से इवेंट्स के ऊपर हम काम कर सकते हैं, वो कुछ इवेंट्स के ऊपर डिस्कस करेंगे हम लोग। सबसे पहले यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर मैंने पासवर्ड लिखा। पासवर्ड के सामने एक शो पासवर्ड का मैंने एक चेकबॉक्स बनाया। ये इसलिए बनाया कि जब भी मैं पासवर्ड लिखूंगा और शो पासवर्ड के ऊपर क्लिक करूंगा तो क्या होना चाहिए, जो पासवर्ड मैंने लिखा वो शो होना चाहिए। तो इस ये जो चेकबॉक्स है शो पासवर्ड का, इस चेकबॉक्स के इवेंट के ऊपर काम करना होगा मुझे। कैसे काम करना होगा, आप इसके प्रॉपर्टीज में जाके इसके इवेंट्स को देखेंगे यहाँ पर। और यहाँ पे एक चेक चेंज का एक इवेंट है कि जब भी इस चेक के ऊपर चेंजेस होंगी, अगर चेक होगा तो पासवर्ड शो हो जाएगा, अगर चेक नहीं होगा तो पासवर्ड शो नहीं होगा। वो काम कैसे कर सकते हैं, इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे। जैसे ही डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पर मैंने ऑलरेडी वो कोड लिख दिया है जिस कोड के थ्रू ये काम होना है। ये एक मेथड ओपन हो जाएगा। अब आपने यहाँ पर चेक कराना कि अगर वो जो चेक बॉक्स है वो चेक्ड है, अगर उसके ऊपर चेक लगाया है तो क्या होना चाहिए, जो पासवर्ड का कैरेक्टर है वो एम्प्टी होना चाहिए, यानी शो होना चाहिए। और अगर अनचेक्ड है तो क्या होना चाहिए, वो पासवर्ड कैरेक्टर में स्टेरिक आना चाहिए। तो आपने ये लिख दिया इसके शो हाइड के ऊपर, तो ये काम हो जाएगा। उसके बाद यहां पर कंफर्म पासवर्ड। अब कंफर्म पासवर्ड में क्या होता है, यहां पर जो आपने पासवर्ड डाला है और जो कंफर्म पासवर्ड करने जा रहे हैं तो क्या होना चाहिए, जब ये दोनों मैच नहीं होगा तो कोई एरर शो होना चाहिए कि भाई पासवर्ड मैच नहीं है। और जब मैच हो जाए तो क्या होना चाहिए, पासवर्ड मैच होना चाहिए। क्लियर। तो वो काम कैसे हो सकता है कि वो काम कंफर्म पासवर्ड के इवेंट के ऊपर काम हो सकता है। क्लिक करेंगे इसके प्रॉपर्टीज में जाके, इसका एक इवेंट है टेक्स्ट चेंज का। ये इवेंट क्या करता है कि आप जब भी हम इसके ऊपर टेक्स्ट लिखेंगे तो ये इवेंट परफॉर्म होगा। इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे तो ये इवेंट यहां पर परफॉर्म करवाया है हमने। हमने ये देखा कि अगर जब भी इस टेक्स्ट के ऊपर लिखेंगे और ये देखेंगे जो टेक्स्ट पासवर्ड में लिखा हुआ है वो और जो टेक्स्ट कंफर्म पासवर्ड में लिखा हुआ वो इक्वल नहीं है, इस नॉट इक्वल टू, इस तरह लिखते हैं, इसका मतलब होता है नॉट इक्वल टू। सही है। अगर ये इक्वल नहीं है तो क्या पासवर्ड जो लेबल हमने बनाया उसके ऊपर क्या शो होगा, पासवर्ड नॉट मैच। एक लेबल हमने बनाया है यहां पर, उस लेबल के ऊपर क्या शो होगा, पासवर्ड नॉट मैच। और जब शो होगा तो क्या लिखा हुआ आएगा, पासवर्ड मैच। क्लियर है। जब इसको चेक करके देख लेते हैं, मैं इसको क्लिक करता हूं, स्टार्ट कर देता हूं, ये स्टार्ट हो जाएगा। अब देखें यहां पे मैंने पासवर्ड लिख दिया अली, और अब मैं शो पासवर्ड पे क्लिक करूंगा क्या होगा, ये देखो ये अली मुझे नजर आएगा। अब शो पासवर्ड से अगेन हटाऊंगा तो क्या होगा, पासवर्ड नजर आएगा। अब यहां पर कंफर्म पासवर्ड के अंदर मैं लिख देता हूं, मैं गलत पासवर्ड लिखता हूं, जो पासवर्ड मैंने यहां पे लिखा है वो नहीं लिखता हूं, कुछ और लिख देता हूं। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा, देखो यहां पर क्या लिखा हुआ रहा, पासवर्ड नॉट मैच, मैंने कुछ भी लिख दिया, पासवर्ड मैच नहीं कर रहा। लेकिन जैसे ही मैं सेम पासवर्ड लिखूंगा तो क्या लिखा हुआ नजर आएगा, पासवर्ड मैच। तो यहां पर क्या होता है, जब भी चेंजेस करेंगे ऑटोमेटिकली यहां पर आ जाएगा, तो ये प्रोग्राम रन हो जाएगा, ये मेथड रन हो जाएगा। और इस मेथड को क्या होगा, इस मेथड में जो भी कंडीशन है ट्रू होगी या फॉल्स होगी तो उस हिसाब से चलेगा। आप इसको खुद से भी देख सकते हैं डिबगर लगाकर कि पासवर्ड के कंफर्म पासवर्ड के टेक्स्ट के ऊपर चेंज करने से क्या होता है। तो डिबगर कैसे लगाते हैं, फॉर एग्जांपल ये लाइन नंबर 21 है, यहां पर मुझे डिबगर लगाना हो तो मैं क्या करूंगा, यहां पर आके इस पर क्लिक करूंगा, इसका मतलब क्या होगा, यहां पर डिबगर लग गया। डिबगर लगाने का मकसद ये होता है कि आप कोड को डिबग कर रहे होते हैं खुद से, कि जब कोड यहां तक आएगा तो क्या होगा, कंपाइलर रुक जाएगा और आपको स्टेप बाय स्टेप देख सकते हैं। मैं इसको रन करता हूं, देखो क्या होता है, रन किया मैंने, ये ठीक ठाक कुछ भी नहीं होगा, रन हो जाएगा। पासवर्ड लिखूंगा यहां पर मैं,
अली लिखा मैंने पासवर्ड, और अब जैसे ही मैं कंफर्म पासवर्ड पे कुछ लिखने स्टार्ट करूंगा तो क्या होगा, ये टेक्स्ट चेंज के ऊपर आ जाएगा। देखें यहाँ पर मैंने लिख दिया, तो ये देखो टेक्स्ट चेंज के ऊपर एरो आ गया, अब प्रोग्राम रुक गया है, इसके बाद प्रोग्राम नहीं चलेगा। आप इसको वन बाय वन चला सकते हैं। देखो अब आपने कहा ये वाली लाइन चलाएं, ये लाइन चलाएगा, चेक करेगा, ये लाइन चलाने के बाद चेक करेगा ये ट्रू है, ये कंडीशन ट्रू है, यानी पासवर्ड मैच नहीं कर रहा है। तो फिर क्या करेगा, लेबल में जाएगा, लेबल के टेक्स्ट के अंदर क्या लगाएगा, क्या लिखेगा, पासवर्ड नॉट मैच। तो देखें यहां पर पासवर्ड नॉट मैच लिख दिया, क्लियर है। तो इस तरह आप यहां पर डिबगर लगा के वन बाय वन खुद से भी चेक कर सकते हैं कि यहां पर डिबगर आता है या नहीं आता, क्लियर है। उसके बाद यहां पर हमने डेट ऑफ बर्थ के चेंज के ऊपर भी कोई काम किया, यानी फॉर एग्जांपल डेट ऑफ बर्थ का एक इवेंट है वैल्यू चेंज के ऊपर, जब भी इसके वैल्यू चेंज करेंगे तो कोई इवेंट परफॉर्म होगा। तो हमने क्या इवेंट परफॉर्म कराया, हमने इवेंट ये परफॉर्म कराया कि जब भी डेट ऑफ बर्थ में कोई चेंजेस करेंगे तो एक लेबल हमने बनाया जिसके ऊपर क्या होगा, उस डेट ऑफ बर्थ के अगेंस्ट उसका एज कैलकुलेट होकर नजर आएगा। उसके लिए हमने क्या किया, उसके लिए सबसे पहले काम तो हमने किया कि इस वक्त जो अभी ईयर चल रहा है हमारे पास, वो हमने उठा लिया। डेट टाइम डॉट नाउ क्या करता है, अभी का डेट एंड टाइम उठा लेता है। अगर मैं इसके साथ डॉट ईयर भी लगाऊंगा तो क्या होगा, जो अभी करंट ईयर है वो यहां पर आएगा हमारे पास ईयर। उसके बाद यूजर जो डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करेगा उस डेट ऑफ बर्थ में से क्या निकालेगा, ये ईयर निकालेगा और बर्थ ईयर में रख देगा इंटेजर। ये डेटा टाइप से इंटेजर, क्योंकि हमेशा ईयर जो है वो इंटीजर में होगा नंबर में, इसलिए हमने यहां पे इंटीजर लिख दिया। फिर एक काम किया हमने, क्या किया कि जो ईयर है करंट ईयर उसको माइनस कराया बर्थ ईयर से, यानी अगर आप 1992 में पैदा हो गए हैं तो मैं 2020 को माइनस करूंगा 1992 से, तो आपका ईयर आ जाएगा मेरे पास, आपके एज आ जाएगा। सेम काम यही किया हमने, करंट ईयर को माइनस कराया बर्थ ईयर से, तो ये यहां पर एज आपके पास आएगा। और इस एज को आपने क्या कर दिया, लेबल 13 के अंदर शो कराया ताकि वो यूजर को शो हो जाए, और यहां पर एज लिख दिया। अब देखें कि यहां पर क्या होता है, जब मैं खाली एज लिखता हूं तो यहां पर एरर देगा कि यार एज खाली नहीं लिख सकते। देखो एरर क्या दे रहा है, के नॉट इम्प्लिसिटली टाइप कन्वर्ट टाइप इन टू स्ट्रिंग। जो लेबल डॉट टेक्स है ये स्ट्रिंग है, और जो एज है वो क्या है, इंटीजर है, जिसकी वजह से एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, तो हमें इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा खुद से स्ट्रिंग के अंदर। तो इसलिए हमने एक डॉट टू स्ट्रिंग लगा दिया, तो ये स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाएगा और आपको शो हो जाएगा। इसको देखेंगे अभी, रन करूंगा जैसे ही इसको मैं, और यहां पर जाके मैं डेट कोई सा भी डेट ऑफ बर्थ चूज कर लेता हूं। फॉर एग्जाम्पल मैंने 2019 जनवरी 1st, तो यहां पर देखें आपको बताएगा आप 11 साल के हो गए बराबर। तो इस तरह इवेंट्स के ऊपर आप काम कर सकते हैं। इस तरह कंट्री का इवेंट है, मैं ये करना चाह रहा हूं कि जब भी मैं यहां पर पाकिस्तान क्लिक करूं, अब देखें यहां पर इसको सेलेक्ट कर सकता हूं मैं ये करने जा रहा हूं कि जब भी मैं यहां पर पाकिस्तान पे क्लिक करूंगा तो क्या होना चाहिए, ये सिटी का जो लिस्ट बॉक्स है शो हो जाए, वरना शो ना हो। तो उसके लिए क्या कर सकते हैं आप, उसके लिए हमें करना पड़ेगा सबसे पहला काम, इस सिटी पे क्लिक करना पड़ेगा और इसको यहां पर जाके इसकी प्रॉपर्टी है इनेबल, इसको हम फॉल्स कर देंगे। जब इसको फॉल्स करेंगे तो क्या होगा, हम सिटी को सेलेक्ट नहीं कर पाते, सिटी बिल्कुल बंद है। अब मैं क्या करने जा रहा हूं कि जब भी कंट्री को सेलेक्ट करूंगा यहां पर तो क्या हो जाएगा, सिटी ओपन होना चाहिए। देखो यहां पर ओपन हो रहा है, उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए हमें कंट्री के ऊपर क्लिक करना होगा और इसके इवेंट के ऊपर काम करना होगा। इसका इवेंट कौन सा, यहां पर सिलेक्टेड इंडेक्स चेंज का इवेंट है। मैंने क्या कर दिया, जब भी सिलेक्टेड इंडेक्स चेंज होगा, जब भी कोई कंट्री सेलेक्ट करेगा तब ही जो सिटी का लिस्ट है वो क्या होगा, इनेबल होगा ट्रू, वरना शायद क्या होगा, फॉल्स रहेगा। क्लियर है, इस तरह आप चेक कर सकते हैं।
उसके बाद यहाँ पर ये इस तरह के आप इवेंट यूज करते हैं। अब जो टेक्स्ट बॉक्स का एक इवेंट है क्लिक का, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जब भी यूजर एक्सेप्ट करे तो ही रजिस्टर का बटन इनेबल हो, वरना डिसेबल हो। तो क्या करूंगा इसके लिए, इसके लिए मैं रजिस्टर के बटन को सबसे पहले यहां पर जाके डिसेबल करना पड़ेगा। इनेबल का इसको मैं क्या करूंगा, यहां पर फॉल्स करूंगा तो ये क्या होगा, डिसेबल होगा। और इसके क्लिक के इवेंट पे काम करूंगा मैं, आपके एक्सेप्ट के क्लिक के इवेंट के ऊपर इवेंट में जाएंगे और यहां पर क्लिक के इवेंट के ऊपर काम करेंगे। और इस क्लिक के इवेंट के ऊपर मैंने कर दिया, जब भी यूजर इसके ऊपर क्लिक करेगा तो क्या होगा, आपका रजिस्टर का बटन इनेबल हो जाएगा वरना डिसेबल रहेगा। देखो रन करता हूं मैं इसको, जैसे ही रन करूंगा देखेंगे इस वक्त ये डिसेबल है, कुछ भी काम नहीं करेगा। जैसे ही मैं एक्सेप्ट पे क्लिक करूंगा तो क्या करेगा, ये काम कर सकता है। अब इसके इवेंट पे क्लिक के इवेंट पे कोई भी काम आप करवा सकते हैं। तो इस तरह आप क्या कर सकते हैं, जितने भी मैंने यहां पर आपको कंट्रोल्स बताए उसके अलावा भी और भी ज्यादा कंट्रोल्स हैं, उन सब कंट्रोल्स को उनके इवेंट्स को आप यूज कर सकते हैं। क्लियर है? सो इस वीडियो को यहीं पर एंड कर देते हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग क्या करेंगे, इस बटन के क्लिक के ऊपर जितने भी यहां पर डेटा है उस सब डेटा को एक मैसेज बॉक्स के अंदर शो करवाएंगे कि डेटा को कैसे शो करवाते हैं, वो हम चीजें देख लेंगे।